Hello students, so today in this video we are going to discuss about logic gates. Now logic gates kya hai? Logic gates is an important topic from the chapter semiconductor. Yes or no? Semiconductor ke end mein hum logo ko ye topic milta hai. And logic gate is very important for your boards. Abhi jo boards cancel ho gaya, but it is also very important for JEE and NEET. If you see, okay, there has been numerous questions from this topic. Okay, बहुत सारा बार यहाँ से question आया हुआ है. Semiconductor से भी आता है, logic gate से भी आता है. Okay, so logic gate is a very important topic to cover. Now, logic gate होता क्या है? देखो, logic gate are we can say that these are what? These are the basic building block of a digital circuit. In simple words, we can say logic gate क्या होता है? ठीक है, एक digital circuit का component होता है, जो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा इट टेक्स टू और मोर देन टू इनपुट. व्हाट काइंड ऑफ इनपुट? बाइनरी इनपुट. एंड गिव्स अस वन सिंपल बाइनरी आउटपुट. सो मैंने क्या बोला? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है सर्किट का, जो कि बाइनरी फंक्शन पे काम करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फंक्शन? बाइनरी फंक्शन मतलब होता है जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, ठीक है. तो बाइनरी फंक्शन का एकदम सिंपल मीनिंग होता है, जीरो मतलब हो जाता है कभी ऑफ, वन मतलब हो जाता है ऑन, फिर जीरो मतलब हो जाता है लो, वन मतलब हो जाता है हाई, ठीक है. तो बाइनरी फंक्शन मतलब ओनली जीरो एंड वन. तो लॉजिक गेट क्या करता है? या दो से ज्यादा इनपुट लेता है, लेकिन हम लोग को एक आउटपुट प्रोवाइड करता है. सो ये लॉजिक गेट कैसे काम करता है, या फिर इसका फंक्शन, या फिर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं वो ऑलरेडी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे डिस्कशन देख लेना, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जब हम लोगों के पास क्या क्या लॉजिक गेट होता है, ठीक है. तो सबसे पहले नंबर वन हम लोग के पास होता है एंड गेट. क्या होता है? सबसे पहला लॉजिक गेट जो हम लोग के पास होता है दैट इज कॉल्ड एंड गेट. नाउ एंड गेट कैसा होता है? इट लुक्स लाइक दिस वन. ये ऐसा होता है देखने में. यहां पे हम लोगों ने दो इनपुट दिया और ये एक आउटपुट देगा. सपोज इसका जो दो इनपुट है वो मैंने ले लिया ए और बी, और इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट मैंने ले लिया वाई, ठीक है. तो मैंने इनपुट ले लिया ए एंड बी, एंड मैंने आउटपुट क्या लिया? यहां पे आउटपुट मैंने ले लिया वाई. नाउ देखो, हाँ, तो एंड गेट क्या करता है ना, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है. मतलब एंड गेट पे जो आउटपुट मिलेगा वो हम लोगों को दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा. क्या मिलेगा? दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा. नाउ जब भी हम लोग लॉजिक गेट्स लेते हैं तो हम लोगों को उसका एक टेबल बनाना पड़ता है. तो लॉजिक गेट का ये जो हम लोग टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल. दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल. तो मेरे पास दो इनपुट है और एक आउटपुट है. तो ये हो गया मेरा इनपुट ए एंड बी, और ये हो गया आउटपुट वाई. तो मैंने क्या बोला? दिस गेट ऑपरेट्स ओनली ऑन बाइनरी फंक्शन, दैट मीन जीरो एंड वन. तो मेरे पास दो इनपुट है, तो सबसे पहले मेरा क्या हो सकता है? जीरो एंड वन, मतलब दोनों जो इनपुट है वो जीरो वन है. फिर मेरे पास क्या हो सकता है? दोनों इनपुट जो है वो वन जीरो हो सकता है. फिर मेरे पास क्या हो सकता है? जो दोनों इनपुट है वो वन वन हो सकता है. और लास्ट मेरे पास दोनों इनपुट जीरो जीरो हो सकता है कि नहीं? दीज आर द पॉसिबिलिटीज ये मुझको इनपुट में दे सको. एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. अभी मैंने क्या बोला? एंड गेट क्या करेगा? इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा. सो व्हाट इज जीरो इंटू वन? जीरो. व्हाट इज वन इंटू जीरो? जीरो. व्हाट इज वन इंटू वन? वन. एंड व्हाट इज जीरो इंटू जीरो? जीरो. दैट मीन्स जब यहां पे मैं जीरो और जीरो इनपुट दूंगा, ठीक है, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. दैट मीन्स जब दोनों इनपुट लो होगा आउटपुट भी लो होगा, जब दोनों इनपुट हाई होगा तब आउटपुट भी हाई होगा, जब एक इनपुट हाई एक इनपुट लो होगा तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा. किसके वजह से? ओके, किसके लिए? फॉर एंड गेट. ओके, तो ये हो गया एंड गेट का.
नेक्स्ट नंबर टू वी हैव ऑर गेट, ओ आर ऑर गेट. नाउ ऑर गेट कैसा होता है? ऑर गेट देखने में ऐसा होता है, यहां पे भी दो इनपुट है और एक आउटपुट है, ए बी एंड आउटपुट हो गया वाई. ठीक है, जैसे एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, ऑर गेट क्या करता है? सम करता है, प्लस करता है, ये इनपुट को प्लस करता है. ठीक है, तो सिंपल फिर से हम लोग देखते हैं, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन. नाउ यहां पे तुम लोग बोलोगे वन प्लस वन टू, लेकिन मैंने क्या बोला, ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी मतलब सिर्फ जीरो एंड वन. तो वन प्लस वन क्या होगा? वन ही होगा, दैट मीन हाई प्लस हाई हाई. ओके, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो और वन को छोड़ के यहां पे कुछ नहीं हो सकता है. ओके, तो ये हो गया ट्रुथ टेबल किसके लिए? और गेट के लिए. ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं नंबर थ्री पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट. नंबर थ्री दैट इज कॉल्ड नॉट गेट. ओके, सो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट यहां पर दिखाई दे रहा है ना नीचे, तो नॉट गेट क्या है? नॉट गेट कुछ नहीं है, नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और इसका एक ही आउटपुट होता है. ठीक है, नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इस गेट का और एक नाम क्या होता है? इन्वर्टर. क्यों? क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है. That means, इसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट का उल्टा होगा, इनवर्स. तो जो नॉट गेट है उसका जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो उसके जो सिर्फ दो ही इनपुट होगा, सॉरी उसका जो सिर्फ एक ही इनपुट होगा, है कि नहीं, और एक आउटपुट होगा. तो या तो इनपुट जीरो हो सकता है, अगर इनपुट जीरो हुआ तो उल्टा आउटपुट वन होगा, या इनपुट वन हो सकता है तब आउटपुट जीरो होगा, क्योंकि इसमें दो इनपुट नहीं है, एक ही इनपुट है, तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का नॉट गेट. नाउ ये जो तीन बेसिक गेट है इसको कॉम्बाइन करके भी हम लोग गेट्स बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल गेट. ओके, तो ऐसा ही हम लोग को दो कॉम्बिनेशनल गेट याद रखना है. ठीक है, मेनली दो कॉम्बिनेशनल गेट हम लोग को यहाँ पे याद रखना है. तो नॉट गेट मिला नंबर फोर. नंबर फोर आ गया हम लोग के पास नैंड गेट. कौन सा गेट? नैंड गेट. देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, नैंड मतलब नॉट आएगा एंड एंड मतलब एंड आएगा, मतलब ये देखने में कैसा होगा, यह आ गया एंड का ये वाला पार्ट और नॉट का जो ये सर्कल है ये यहां पे आ जाएगा. ठीक है, यहां पे आ जाएगा दो इनपुट और एक आउटपुट. ये इनपुट आ गया ए, बी आउटपुट आ गया वाई. नाउ वाई इसका जो आउटपुट होगा, एंड गेट क्या करता था? देखो एंड गेट इनटू करता है, तो आउटपुट में आ गया इनटू. एंड नॉट गेट क्या करता है? इसको उल्टा कर देता है, तो ये इनटू का इनवर्स हो जाएगा. तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी इनवर्स. ओके, देखो काफी सिंपल है, जो अभी किसी ने अगर ये पढ़ा भी नहीं है ना, अगर ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया नैंड गेट. तो अगर इसका मुझको ट्रुथ टेबल बनाना है तो मैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाऊंगा? यह आ गया इनपुट और यह आ गया आउटपुट. तो इनपुट क्या हो सकता है? पहले हो सकता है दोनों जीरो. तो अच्छे से देखो, जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो. और ये इनवर्स होके क्या हो जाएगा? वन. फिर आ गया जीरो वन, तो इंटू होगा जीरो इंटू वन जीरो, इनवर्स होके क्या हो जाएगा? वन. फिर आ गया वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और इनवर्स होके क्या हो जाएगा? फिर वन. और लास्ट में आ गया वन वन, वन इंटू वन वन, इनवर्स होके क्या हो जाएगा? जीरो. क्यों? क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर इन्वर्स करेगा. कौन सा? नैंड गेट. ठीक है, लास्ट हम लोग और एक तरह का देख लेते हैं. जैसे ये नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, तो नेक्स्ट वाला हो गया नॉट और का कॉम्बिनेशन. इसको हम लोग बोलते हैं नॉर गेट. ओके, एन ओ आर नॉर गेट. तो नॉर गेट क्या होता है? देखो नॉर गेट देखने में ऐसा होता है, यह आ गया और गेट और यहां पर आ गया ये नॉट का सर्कल. तो ये आ गया एक इनपुट, ये दो इनपुट और यहां पे ये आउटपुट. तो
इसका आउटपुट जो है क्या होगा, अभी और गेट क्या करता था, प्लस करता था, तो ये प्लस हो जाएगा, और नॉट गेट क्या करते हैं इसको उल्टा इनवर्ट, तो ये हो जाएगा इनवर्ट। दैट मीन्स अभी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये किसके लिए, नॉट गेट के लिए, ये प्लस करेगा फिर इनवर्ट करेगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, इनवर्स वन, जीरो प्लस वन वन, इनवर्स जीरो, वन प्लस जीरो जीरो, सॉरी वन प्लस जीरो वन, इनवर्स जीरो, एंड लास्ट में वन प्लस वन मैंने क्या बोला था, वन इनवर्स जीरो। तो ये हो गया नॉट गेट का आउटपुट, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये हम लोग को कुछ टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ हम लोग को गेट से लॉजिक गेट से जो मेनली याद रखना, ठीक है, इसी के ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार ये देख लो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। प्लीज क्वेश्चन जो है वो लिंक से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है, अच्छे से देखो। हाँ, मैं ये गेट यहाँ पे रख रहा हूं ताकि हम लोग को फंक्शन देखने में इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसका ऐसा कॉम्बिनेशन है, और हम लोगों को बोला है इसका ट्रूथ टेबल, ऑप्शन में चार ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, हम लोगों को बोला है इसका जो ट्रूथ टेबल है वो निकालना है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ था, ठीक है, नीट लास्ट ईयर नीट में 2020 में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी देखो, हाँ, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो हम लोग को मालूम है ट्रूथ टेबल जो होगा उसमें दो इनपुट आ रहा है कि नहीं, ए और बी, दो इनपुट आ रहा है और एक आउटपुट वाई आ रहा है। तो इसको कैसे करोगे, देखो, हाँ, अच्छे से देखो, होप तुम लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया जीरो जीरो, ये वाला कौन सा गेट है, ये है नॉट गेट, ये वाला नॉट गेट है, और ये वाला कौन सा गेट है, ये वाला हो गया हम लोग का नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट इनपुट को उल्टा करता है, और नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को प्लस करके उल्टा करता है। तो अच्छे से देखो, हाँ, ए और बी में मैंने सबसे पहले क्या दिया, जीरो जीरो, तो यहां से जीरो गया, जैसे ये गेट में पास होगा उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, वन। सिमिलरली यहां से जीरो गया, जैसे ये गेट से पास होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टर है ना, इन्वर्ट कर रहा है, तो यहां पे उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा, वन। अभी जैसे ये गेट से पास होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉट गेट क्या करेगा, प्लस करेगा, वन प्लस वन क्या मिलेगा, वन, लेकिन फिर इन्वर्ट हो जाएगा, तो वन इन्वर्ट होकर फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यहां पर क्या बनेगा, जीरो। आया थोड़ा समझ में, फिर हम लोगों ने ले लिया जीरो एंड वन, तो अभी ये ए हो गया जीरो, बी हो गया वन, तो यहां से जीरो पास होके उल्टा होके वन हो जाएगा, यहां से वन पास होके उल्टा होके जीरो हो जाएगा। जैसे ये दोनों पास होगा सबसे पहले प्लस होगा, वन प्लस जीरो क्या होगा, वन, लेकिन फिर से वो इन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। फिर हम लोग चले जाते हैं वन जीरो पे, तो जीरो और वन अगर जीरो आ रहा है, वन और जीरो से उल्टा ही करना है, जीरो ही आएगा ना, ऑब्वियसली जीरो आएगा। लास्ट में है हम लोग का वन और वन, तो अभी यहां पे भी वन, यहां पे भी वन, तो ये वन यहां पे जाके जीरो बन जाएगा, ये वन यहां पे जाके जीरो बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो, लेकिन जीरो इन्वर्ट होकर फाइनली क्या हो जाएगा, वन। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो क्या हो जाएगा, जीरो 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 वन। दैट मीन्स अगर हम लोग ऑप्शन देखे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ में आया, इसको मैंने कैसे देखा, तो ये हो गया सबसे पहला सोल्यूशन, ठीक है, काफी इजी है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है कि नहीं, करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ तुम लोगों को वन और जीरो का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो पूरा ट्रूथ टेबल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 60 में एक सर्किट दिया हुआ है,
थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है, यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ है और ये सर्किट डायग्राम से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये एक लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग के पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी देखो नीट 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या ऑप्शन आया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का नॉर गेट है, एन गेट है, और गेट है, नैन गेट है, ठीक है। तो हम लोग को चार गेट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को मालूम करना है ये कौन सा गेट है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मालूम करना पड़ेगा, हम लोग को मालूम करना पड़ेगा जो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, है कि नहीं। तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ठीक है। ये जो दो स्विच है ना, ये दो स्विच हम लोग का इनपुट जैसा काम करेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द सर्किट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन इज, ओके। तो मैं और ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब हम लोग का आउटपुट है, मतलब अगर बल्ब ग्लो हुआ तो वो क्या होगा, वन, क्योंकि क्या बोल रहे हैं इसको बाइनरी नंबर के हिसाब से वो हाई हो रहा है, मतलब बल्ब जल रहा है, और जब बल्ब नहीं जलेगा तब वो क्या होगा, लो, ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया ये जो दो स्विच है ये इनपुट की तरह काम कर रहा है, ए और बी, और ये जो बल्ब है ये हम लोग का आउटपुट है। अभी अच्छे से देखो, हाँ, जब स्विच बंद होगा, क्लोज होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, तब दोनों वन वन होगा क्योंकि करंट पास हो रहा है, और जब स्विच ओपन होगा मतलब खुला हुआ होगा जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, तब उसका मतलब क्या होगा, ये जीरो जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया जीरो जीरो, अच्छे से देखना, हाँ, जीरो जीरो मतलब अभी यहाँ पे ये जो दोनों पाथ है ये ओपन है, मतलब इसमें से इधर से कोई भी करंट पास नहीं होगा। ये सिक्स वोल्ट का बैटरी जो है इसमें से करंट आएगा क्योंकि ये जो पाथ है ये पूरा पाथ में कोई करंट फ्लो होने का चांस नहीं है, ये पाथ में से जगह नहीं है, तो जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो डायरेक्टली ये एलईडी पे करंट आ रहा है तो एलईडी ग्लो होगा, ऑब्वियसली ग्लो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का एलईडी ग्लो होगा तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग को वन मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा छोटा लिख देता हूं, तो ये जीरो जीरो ये वन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं जीरो वन पे, मतलब ये वाला जो है ये वाला खुला है लेकिन ये वाला पाथ को मैंने बंद कर दिया। तो फिर से एक ही बात है, जब करंट आएगा तो ये पाथ जो है नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होने का जगह नहीं है, ये ओपन हो रहा है, तो करंट यहां से जाएगा ही नहीं, करंट डायरेक्टली ऐसे फ्लो हो जाएगा, तो फिर से एलईडी ग्लो होगा, तो ये क्या होगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या लेता हूं, वन जीरो। तो जब वन जीरो मतलब ये क्लोज है और ये ओपन है, तो फिर से ये जो पाथ है अभी भी ये इनकम्प्लीट है कि नहीं। यहां से तो करंट आ जाएगा लेकिन यहाँ पे फ्लो होने का चांस नहीं है, ये तो ये पाथ में से कोई चांस ही नहीं है करंट फ्लो होने का, तो करंट फिर से यहां से आके यहाँ पे जाएगा ही नहीं क्योंकि उसको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। तो करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो फिर से बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। अभी आ गया वन वन, वन वन मतलब ये पाथ और ये पाथ दोनों अभी करंट को अलाउ करेगा। तो जब करंट को यहां से जाने का पूरा रास्ता मिलेगा, एक पूरा कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, तो जो टोटल करंट है वो यहां से चला जाएगा, यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, जाने के बाद वो यहां पे ग्राउंड पे चला जाएगा। तो जो टोटल करंट है वो ग्राउंड पे फ्लो हो गया, एलईडी तक गया ही नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन जो आउटपुट पे ट्रुथ टेबल मिल रहा है, क्या मिला हम लोग को, वन 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 जीरो। तो मैंने तुम लोग को अभी जो ट्रुथ टेबल अलग अलग गेट का समझाया था, तो ये ट्रुथ टेबल अच्छा से जो मैंने तुम लोग को अभी दिया था वो वाला एक बार चेक करो। ये ट्रुथ टेबल किसका होता है, ये ट्रुथ टेबल होता है नैंड गेट का। ये ट्रुथ टेबल किसका होता है, ये ट्रुथ टेबल होता है नैंड गेट का। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट क्या करता है, इंटू करके इन्वर्स करता है। तो जीरो इंटू जीरो जीरो इन्वर्स वन, ठीक है, जीरो इंटू वन जीरो इन्वर्स वन, वन इंटू जीरो जीरो इन्वर्स वन, वन इंटू वन वन इन्वर्स जीरो, दिस इज व्हाट, दिस इज ए नैंड गेट, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 61 और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये भी समझ लो, ठीक है। ज्यादातर ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू या नीट में, अगर इसमें से आया तो, ठीक है। तो 61 में भी देखो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन असली में बहुत ज्यादा सिंपल है।
क्या है, ये एक हम लोग को कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और हम लोग को बोला है ये जो कॉम्बिनेशन है अगर इसका इनपुट ए और बी है तो इसका आउटपुट क्या होगा, और हम लोग को काफी सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो चलो इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आउटपुट का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग को मिलेंगे आउटपुट का फॉर्मूला बनाना। तो देखो, हाँ अच्छे से देखो, सबसे पहले यहाँ पे ए है तो ये जो ए है यहाँ पे आ गया और ये ए के साथ फिर यहाँ पे भी एक कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे ए तो आएगा लेकिन यहाँ से भी ए जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये नॉट गेट है तो जैसे यहाँ से पास होगा यहाँ पे क्या जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। आया समझ में? फिर यहाँ पे बी है, बी डायरेक्टली यहाँ से पास हो रहा है तो ये बी यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा और ये बी यहाँ पे भी डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट बी आ जाएगा। आ गया। अभी ये क्या गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई, तो इस पे इनपुट ए आ रहा है और बी इनवर्स, मतलब ये आउटपुट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ए डॉट बी इनवर्स होगा। सिमिलरली ये ए इनवर्स और बी जा रहा है तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे क्या गेट है, यहाँ पे फाइनली जो गेट लगा हुआ है वो और गेट है, और है तो और गेट क्या करेगा प्लस, तो और गेट अपना दोनों इनपुट को प्लस करेगा, ये हो गया और गेट का पहला इनपुट, ये हो गया और गेट का दूसरा इनपुट, तो और गेट दोनों इनपुट को प्लस करेगा, और गेट दोनों इनपुट को प्लस करेगा, तो ये होगा फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला। आया समझ में आया? ऑप्शन बी, ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स डॉट बी, ठीक है। तो ये ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स डॉट बी, ये हो जाएगा पूरा आउटपुट का फॉर्मूला। समझ में आया ना कैसा कर रहा है हम लोग? तो ये है ऑप्शन बी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 62 है वो भी सेम तरीका का है, वो खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, दैट इज 63 में भी हम लोगों को कुछ गेट दिया हुआ है, ये एक गेट दिया हुआ है जिसमें दो इनपुट जा रहा है ए और बी, और यहां पे और एक गेट दिया हुआ है जिसमें यहां पे डायरेक्टली एक इनपुट जा रहा है सी, और यहां पे जो ये फाइनल आउटपुट है वाई। हम लोग को क्या बोला है, व्हाट इज द आउटपुट वाई व्हेन ऑल द थ्री इनपुट आर फर्स्ट जीरो एंड देन वन, पहले तीनों इनपुट जीरो होगा फिर तीनों इनपुट वन होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो आसान सा सवाल पूछ लिया है कि नहीं, तो पहले तीनों इनपुट जीरो जीरो जीरो, ये क्या गेट है, ये हो गया एंड गेट, एंड गेट क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये क्या गेट है, ये है नॉट गेट, ये क्या करेगा मल्टीप्लाई फिर कर देगा इनवर्स, है कि नहीं, मल्टीप्लाई फिर करेगा इनवर्स। तो जीरो और जीरो आया, मल्टीप्लाई होके यहां से क्या निकलेगा, जीरो इंटू जीरो, यहां से जीरो जाएगा ना, यहां पे जीरो आएगा और यहां से डायरेक्ट जीरो जा रहा है, तो जीरो इंटू जीरो इंटू, तो जीरो होगा फिर उसका आंसर का इनवर्स, मतलब क्या हो जाएगा वन, मतलब जीरो जीरो वन, ये आ जाएगा पहला, है कि नहीं हम लोग को, सॉरी जीरो 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 वन, तो आउटपुट पहला आ गया वन, हम लोग को बोला है पहले तीनों जीरो होगा फिर तीनों को वन करना है, तो अभी वन करके देख लेते हैं, जब तीनों वन हो जाएगा तो ये वन इंटू वन यहाँ पे आ गया वन, और ये वन डायरेक्टली यहाँ पे आ गया वन, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन, और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा जीरो, मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा वन जीरो, जब पहले तीनों जीरो होगा तब आउटपुट वन होगा, फिर जब तीनों वन होगा आउटपुट जीरो होगा, तो इसका आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेते 63 का आंसर, हाँ सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बाकी जो है ना खुद थोड़ा ट्राई करना, आई होप तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों को करवा के दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67।
ना क्वेश्चन नंबर 67 में ना हम लोग को कोई गेट दिया हुआ नहीं है, हम लोग को वेव फॉर्म दिया हुआ है। जो ये लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट का हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट का हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं वेव फॉर्म बना लेता हूँ, फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा जो वेव फॉर्म से कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म कंटिन्यू हो रहा है, हम लोग को उतना ज्यादा का जरूरत नहीं है, यहां तक करेंगे तो हो जाएगा। तो ये पहला इनपुट है ए, फिर हम लोग के पास दूसरा इनपुट है बी। जो बी है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है, जो बी है वो इस तरह दिया हुआ है, और फिर हम लोग को दिया हुआ है सी। तो जो C है वो इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है और C जो है ऐसा है, तो ठीक है। चलो हम लोग को, मैंने जैसे बोला ज्यादा जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है T1, ये दिया हुआ है T2, ये दिया हुआ है T3, ये दिया हुआ है T4, ये दिया हुआ है T5, और ये दिया हुआ है यहां से शुरू हो रहा है 0। ना हम लोग को बोलना है ये जो लॉजिक गेट है, अगर ये वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करके हम लोग एक लॉजिक गेट देखे तो ये कौन सा लॉजिक गेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोग को, 67 नंबर क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग को ऑर गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, हम लोग को लिखना है ये कौन सा गेट होगा। देखो साइड में दिया हुआ है 2012, तो मोस्ट प्रोबेबली ये JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ए बी क्या है, ए बी हम लोग का इनपुट है, और सी क्या है, सी हम लोग का आउटपुट है। अभी मैं ये वाला साइड रफ कर देता हूं इसका, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी मैं ऐसे बोलूंगा थोड़ा। तो इसका ये आ गया इनपुट ए, ये आ गया आउटपुट, और वाई मैंने क्या बोला, जो आउटपुट है वो सी है, सॉरी इनपुट ए और बी, आउटपुट सी। अभी देखो जो ऊपर वाला लाइन होता है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे वाला लाइन होता है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इतना याद रखना। तो ए देखो, ए नीचे की तरफ है क्योंकि उसके बाद ये ऊपर वाला लाइन है ना, यहां पे ऊपर वाला लाइन है, तो ए वाला जो लाइन है वो नीचे है, तो ए क्या है 0। बी वाला जो लाइन है ना, बी का जो टोटल कर्व है उसमें ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ ही है ना, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक पार्ट देख के जाना है, ठीक है। पहले देख रहा है 0 से T1, तो ये भी क्या है 0। तो यहां पे भी ये जो सी है, ऑब्वियसली देखने से मालूम पड़ रहा है सी का जो ये लाइन है ये भी नीचे है, तो सी भी क्या है, आउटपुट भी क्या है 0। तो ये पहला हम लोग का आ गया कहा 0 से T1। अभी हम लोग जाते हैं T1 से T2, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने देख लिया, ये वाला खत्म हो गया, मैं क्रॉस कर लेना, तुम लोग को होगा समझ लो। अभी देखो ये नीचे था, ये जो T1 है ये ऊपर की तरफ है, मतलब T1 ऊपर मतलब क्या है 1। B अभी भी नीचे की तरफ है, मतलब B क्या है 0। C ऊपर की तरफ चला गया, मतलब C क्या है 1। तो ये वाला खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हम लोग का ये 0 वाला हो गया, फिर यहां से ये T1 हो गया, ठीक है। T1 से T2 भी हो गया, मतलब हम लोग यहां से यहां जहां गए, अभी T2 से T3 मतलब ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखो ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या है, ये है 1, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला भी क्या है, ये वाला भी है 1, ठीक है। तो T2 से T3 के बीच में ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, और ये वाला भी ऊपर की तरफ ही है ना, तो ये वाला भी क्या है 1, ठीक है। फिर हम लोगों का ये भी हो गया, अभी हम लोग चले जाते हैं T3 से T4, ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन जो है वो नीचे है, दैट मींस ये क्या है 0, ठीक है। ये वाला लाइन जो है वो ऊपर है, मतलब ये क्या है 1, और फिर से ये वाला जो लाइन है वो ऊपर है, मतलब ये क्या है 1, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे ये मिल गया, ये इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो गेट है वो क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो गेट है ये क्या है, ठीक है, यह आ गया 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, एंड 0 प्लस 1 1, मतलब ये जो भी आउटपुट है सब प्लस हो रहा है। प्लस कौन सा गेट करता है, और गेट,
मतलब ये जो वेव फॉर्म है ये किसका है, ये OR गेट का है, समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OR गेट, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, लास्ट ये क्वेश्चन में बोल देता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सब चीज एम्बेडेड होता है, और एम्बेडेड जो सर्किट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आईसी, दैट मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 69 का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सो आई होप समझ में आया, प्लीज प्रैक्टिस करना, और कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो किसी को डाउट हो तो किसी में तो मुझको एक बार पर्सनली व्हाट्सएप करना, ठीक है, और ये सब जो मैंने दिया हुआ है ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके, चलो, थैंक यू।